अब एलिजाबेथ दोबारा से अपने बिस्तर पर जाग उठी, जिसके बाद सारी कहानी दोबारा से दोहराई गई। बूढ़ा आदमी और लड़की अभी भी ड्यूटी पर थे और छोटा काला कमरा उसके लिए निषेध था, लेकिन दूसरी बार भी एलिजाबेथ ने वो गलती दोहरा दी। उसने फिर से उस कमरे में प्रवेश किया, जहां पर उसने खुद को एक चैम्बर में बंद पाया। फिर इस गलती के लिए एलिजाबेथ जब दूसरे दिन बिस्तर से उठी तो उसने देखा कि बूढ़े आदमी के हाथ में एक तौलिया था। उसने इसे पानी के अंदर भिगोया, फिर बाद में एलिजाबेथ के ऊपर हमला करके उसके गले को दबोच लिया। लेकिन लड़की ने बूढ़े आदमी को एक लात मारी और वहां से भाग गई। फिर उसने बिल्डिंग का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन अब वो बिल्डिंग एक पिंजरे में बदल चुकी थी। सारे दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। बूढ़े आदमी ने आराम से दस्ताने पहने और तौलिए के ऊपर जहर डाल दिया। इधर एलिजाबेथ उससे बचने के लिए इधर उधर दौड़ रही थी। फिर उसने भी एक चाकू अपने हाथ में रख लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी ने उसकी नाक पर वो तौलिया रख दिया। जब उसे लगा कि लड़की मारी गई, तब उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन तभी एलिजाबेथ ने उस पर चाकू से वार किया और बूढ़े आदमी को जान से मार दिया। फिर उसने साफ सुथरे कपड़े पहन लिए और कुछ ही देर बाद में वहां पर नौकर भी आ गए। पार्ट 4 के लिए लाइक और कमेंट करें।